हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। टुडेज़ टॉपिक इज़ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो निष्ठा के फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब नेशन का एक इनिशिएटिव है ये कि स्कूल हेड्स, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए और वहाँ के टीचर, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इस निष्ठा में इसका मेन मोटिव यही है। सो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई जो समग्र शिक्षा है, जो कि 2019-20 में लॉन्च की गई थी, वो इसके अंडर आती है। जी, अभी हम निष्ठा बता रहे हैं, वो समग्र शिक्षा के अंडर आती है। सो व्हाट इज़ निष्ठा, निष्ठा क्या है? इसमें हमने कुछ कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि इट इंटीग्रेट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारे जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इंटीग्रेट करती है। फिर सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। मतलब ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू इम्प्रूव करना स्कूल की एजुकेशन जो है स्कूल की, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका मेन मोटिव है। आगे थर्ड पॉइंट ये है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड। मतलब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो इसके अंदर आते हैं, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड कहा गया है। सो इसका एम क्या है? जो टीचर्स हैं और स्कूल हेड, मतलब वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना मेन इसका यही मोटिव या एम है। अगर हम इसमें हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पर 4.2 मिलियन टीचर को कवर किया गया है, 4.2 टीचर्स को इसमें कवर किया गया है। साथ में ही इसमें जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो एक्टिविटी बेस्ड रहना चाहिए। जैसे कि बच्चों को हम एक्टिविटी करके सिखाते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, वैसी ही टीचर की ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल एक्टिविटी बेस्ड रखा गया है, जिससे टीचर को जॉयफुल लर्निंग के लिए उनको प्रमोट किया जा सके। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो दी थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से रिलेटेड, उसमें हमने आपसे क्वेश्चंस किए थे। आज हम आपके सामने उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है 2018 इसका आंसर है। अब हम आपको बता देते हैं, जो 2019 है वो फर्स्ट इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, एंड देन सेकेंड 2020 में इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन FSSAI स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट? तो इनमें से कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं? तो इसका आंसर है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इसका आंसर ये था फूड टेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फूड सिक्योरिटी है जो कि ये गलत है इसमें। आगे का है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? तो इसमें थीम हमारी क्या है? जैसे अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये हमारा जो सेकंड है वो हमारा आंसर है। लेकिन जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात कर दें, द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी, ये जो है 2019 की थीम थी, और जो फर्स्ट ऑप्शन है ईट राइट ड्यूरिंग COVID-19, ये जो है FSSAI की ई हैंड बुक है, उसका नाम ये है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देन सेकेंड
हमारा जो फोर्थ आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें लिखा है वेयर द फर्स्ट इंटरनेशनल फूड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो इसका आंसर है एडिस अबाबा, क्योंकि और जेनेवा जैसे है फर्स्ट ऑप्शन हमारा, वो WTO का इंटरनेशनल फोरम है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच आर द एजेंसीज हु लीड एफर्ट टू प्रमोटिंग फूड सेफ्टी अराउंड द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी एजेंसी है इन तीनों में जिसने फूड सेफ्टी को वर्ल्ड में प्रमोट किया है। तो फर्स्ट है FAO, सेकेंड WHO, थर्ड जो है FSSAI। तो इसमें हम आप बताइए फर्स्ट AB होगा या BC होगा या AC होगा या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट A और B। तो इसके आपको जो यहाँ पर तीनों चीज़ें लिखी हैं इसके आपको कमेंट सेक्शन में इसके फुल फॉर्म आपको बताने हैं। ठीक, हु इज़ द फर्स्ट टॉप रैंकिंग स्टेट अंडर लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी। तो इसका आंसर होगा गुजरात। वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा स्मॉल स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस पर है। वहीं दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ में सेकेंड प्लेस पर है। और वहीं चंडीगढ़ की बात करें वो यूनियन टेरिटरीज़ में फर्स्ट प्लेस पर है। तो गोवा जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, लेकिन स्मॉल स्टेट कैटेगरीज़ में गुजरात जो है जिसका आंसर है टॉप रैंकिंग स्टेट में आती है लार्ज कैटेगरी में। वहीं दिल्ली जो है वो वो यूनियन टेरिटरीज़ में सेकेंड प्लेस पर है और चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ पर फर्स्ट प्लेस पर है। सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।